क्यों किया? क्यों सारे के सारे सीटों को जनरल करते हुए इसे स्थगित किया? आखिर आपकी मंशा क्या है? अभी उधर कभी बैगन है, डगरा के बैगन, कभी इधर कभी उधर, जहां फायदा देखे वहां घुस जाते हैं। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में सरकार की विफलता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है, पुतला फूंका गया है इनकम टैक्स चौराहे पे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स का नारा चारों तरफ जो है बीजेपी के समर्थक हैं। और साफ तौर पे इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से चुनाव कैंसिल हो गया है, मतलब रोक लग चुकी है चुनाव पे, क्या लगता है सरकार की विफलता है? सरकार ही दोषी है, और नीतीश कुमार जो काम किया है ये एकदम देश को बर्बाद करने वाला काम किया है। इतना अच्छा से देश का विकास हो रहा था हमारे बिहार का, बिहार में ये एकदम अपना दम खत्म कर दिए हैं। हाँ, अब नहीं जीतने वाले हैं। आप लोग के साथ नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो उस वक्त बड़े अच्छे थे, अब महागठबंधन में चले गए तो आप लोग के लिए खराब हो गए। अब इसलिए खराब हो गए, पहले अच्छा काम कर रहे थे। इधर उधर डोल गए तो अच्छा हो ये इधर उधर डोलने वाला। हाँ, कभी उधर कभी बैगन है, डगरा के बैगन, कभी इधर कभी उधर, जहाँ फायदा देखे वहाँ घुस जाते हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे जो है महिलाएं का साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार कभी इधर जा रहे हैं तो कभी उधर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, जो साफ तौर पे महिलाओं का साफ तौर पे कहना है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातें करेंगे कि जिस तरह से चुनाव प्रचार पे स्टे लगा दिया कि है, हाईकोर्ट के द्वारा बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में जाने की, उस पर लेकर और कुछ क्या कुछ कहना है। पुतला दहन तो हो गया, आगे की रणनीति क्या होगी? और जिस तरह से ये भी कहना है जितने भी वार्ड पार्षद थे कि इतने पैसे खर्च हो चुके हैं चुनाव में, तो इसको लेकर आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ पिछड़े समाज के उन प्रतिनिधियों के अरमान की बात है जो अपने समाज के का प्रतिनिधि करते हुए आगे बढ़ना चाह रहा था, अपने समाज को पूरे बिहार में न्याय दिलाना चाह रहा था। पिछड़ा समाज की क्या दशा थी कुछ वर्षों पहले, जंगल राज जब था, भले ही वो किसकी सरकार थी मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन क्या दशा थी, दिन में भी लोग निकलने से डरते थे। आज पिछड़ा समाज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में सिर उठाने लायक हुआ है। नगर निकाय के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता था पिछड़ा समाज, क्या गलत करना चाहता था भाई? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों सारे के सारे सीटों को जनरल करते हुए इसे स्थगित किया? आखिर आपकी मंशा क्या है? पूरा बिहार इसका जवाब मांगता है। और अभी तो हमने आज पुतला दहन किया है, यह आगाज अंजाम अभी बाकी। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि अभी तो पुतला दहन हुआ है और आगाज और अंजाम बाकी है। फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।